पंतप्रधानांना देहाती खेडूत म्हणत नवाज शरीफ यांनी देशाचा अपमान केलाय देशाचा अपमान कधीही सहन केला जाणार नाही असं भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात खडसावलंय दिल्लीत झालेल्या सभेत नरेंद्र मोदी यांनी युपीए सरकार तसंच दिल्ली सरकारवर जोरदार टीका केली नवाज शरीफ पंतप्रधान भेटीवर देशाला संशय आहे या भेटीत पंतप्रधान काय बोलणार हा प्रश्न आहे पंतप्रधानांनी ओबामांच्या समोर देशाच्या गरिबीचं मार्केटिंग केलं असा आरोपही मोदींनी केला शीला दीक्षित या देशातल्या सर्वात सुखी मुख्यमंत्री आहेत असा टोमणा त्यांनी लगावला तर कॉमनवेल्थ घोटाळ्यानं देशाचा पैसाच नाही तर अब्रूही लुटली गेली अशी टीका मोदींनी केली नवाज शरीफने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे है। बहनों हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ यह आपकी कौन सी औकात है आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत के संबोधन करते हो और यह कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता हिन्दुस्तान में हम 125 करोड़ एक है वयम पंचाधिकम शताम हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा जी चौबीस दास एक पाउल पुढ़े